हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग का वाइंडिंग का क्लासेस चल रहा था और वाइंडिंग में अभी हम लोग डीसी मशीन वाइंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और डीसी मशीन में भी हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और आर्मेचर वाइंडिंग में भी हम लोग का लैप वाइंडिंग चल रहा है और लैप वाइंडिंग में भी आपका सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग चल रहा है। ओके, सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स ये सब क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कल वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 08 में हम लोगों ने बात किया था बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, एवरेज पिच क्या होता है या फिर कहिए आपका रिजल्टेंट पिच या फिर हम लोग बोल रहे थे वाइंडिंग पिच ये क्या होता है। ये हम लोगों ने चार टर्म्स को एक तरीके से समझा था। आज हम लोग एक यहाँ पे वाइंडिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि मेरे पास अगेन एक आर्मेचर है और इसमें जो स्लॉट्स है ये टोटल 12 है, ठीक है, 12 स्लॉट्स हैं। तो सीधी सी बात है आपका डबल लेयर वाइंडिंग होगा तो इसमें कॉइल भी कितना चाहिए हम लोग को, कॉइल भी हम लोग को यहाँ पे 12 चाहिए। और अगर 12 कॉइल है इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल कंडक्टर कितना होगा आपका, टोटल कंडक्टर हो जाएगा या फिर कहिए टोटल कॉइल साइड आप बोल सकते हैं, भाई कंडक्टर नहीं कॉइल साइड लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा आपका ये। ओके, कॉइल साइड्स तो 12 कॉइल है, टोटल 12 कॉइल है और एक कॉइल में दो कॉइल साइड होता है तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहां पे 24 कॉइल साइड्स। ओके, अब देखिए मान लेते हैं ये जो हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं ये दो पोल के लिए कर रहे हैं तो P इक्वल टू यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब हम लोग इस पर सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। भाई सबसे पहले आपको पता है 12 कॉइल में आपको बना के दिखाता हूँ। 12 कॉइल कहने का मतलब क्या, ये मान लेते हैं आपका पहला कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से। एक्चुअली इसमें टूटा हुआ नहीं रहता है बीच में, ठीक है, बस अभी समझिए मैनुअली मैं आपको समझा देता हूँ। पहला कॉइल ये आपका, दूसरा कॉइल इसी तरीके से, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 12 कॉइल है आपके पास और हर एक कॉइल में क्या है दो कंडक्टर है ना, यानी दो कॉइल साइड है इस तरीके का। अब समझिए कंडक्टर में भी थोड़ा सा मैं क्लियरेंस कर देता हूँ। अभी जैसे ये जो हम लोग का पहला कॉइल मैंने लिया है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट कॉइल है भाई, इस फर्स्ट कॉइल में एक ही टर्न थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना एक ही टर्न का होता है, एक टर्न का कॉइल हम लोग यूज ही नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। इसमें मान लेते हैं बहुत सारा टर्न है, ठीक है, मान लेते हैं 500 टर्न का कॉइल है इस तरीके से, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मान लेते हैं 500 टर्न का इस तरीके से कॉइल है, ये भी 500 टर्न का कॉइल है, इसी तरीके से 12 कॉइल मेरे पास 500 टर्न्स के हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो अभी देखिए अगर ये 500 टर्न का सिंगल कॉइल है, ठीक है, 500 टर्न्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 500 तो इधर कंडक्टर होंगे यानी 500 इधर होंगे और 500 इधर होंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉइल के अंदर टोटल कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 1000 कंडक्टर, समझ में आया। तो ऐसे कॉइल मेरे पास 12 है तो सीधी सी बात है यहां पे हम लोग कर लेंगे अगर कंडक्टर काउंट करना चाहते हैं तो, कि एक कॉइल में मेरा टोटल कंडक्टर कितना है, 1000 कंडक्टर, ठीक है। तो 12 कॉइल है मेरे पास यहाँ पे, तो 12 कॉइल में कितना हो जाएगा आपका, 1000 गुना 12 यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 12000 कंडक्टर, क्लियर हुआ, टोटल आपका 12000 कंडक्टर हो जाएगा। अब और भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि एक स्लॉट्स में दो कंडक्टर रहेंगे, एक स्लॉट्स में दो कंडक्टर रहेगा तो दो कंडक्टर रहने का मतलब क्या, मान लेते हैं एक ये वाला कंडक्टर डाल दिया आपने, मतलब एक स्लॉट में भाई दो कॉइल साइड रहेंगे ऐसे समझिए, एक स्लॉट में दो कॉइल साइड्स होंगे, राइट। और आपको पता है कि यहाँ पे देखिए ना, एक कॉइल साइड में टोटल कितना कंडक्टर है, 500 कंडक्टर है तो भाई दो कॉइल साइड यानी क्या होगा, एक स्लॉट में आपका 1000 कंडक्टर रहेगा एक तरीके से, समझ रहे हैं बात को, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल सके। तो एक स्लॉट में अगर 1000 है तो सीधी सी बात है टोटल मेरे पास कितना है,
12 स्लॉट, तो सीधी सी बात है 12,000 कंडक्टर हो गए, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 12,000 ऐसे भी मैनुअली कैलकुलेट कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। तो इतना आपको ये सब समझना होगा भाई। अब हम लोग आगे आते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को न्यू पेज लेना होगा, और अभी मान लेते हैं ये मेरा, इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये पहला कॉइल साइड है, ओके, ग्रीन से ही दिखा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा और स्पेस दिखाता हूँ मैं, इसको थोड़ा मोटा यूज़ करते हैं क्योंकि लेक्चर में पता नहीं चलता है, ओके, इसको थोड़ा मोटा बना लेते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और एक 12, ठीक है। टोटल मेरे पास यहाँ पे 12 मैंने दिखाया हरे कलर से, इसका मतलब क्या हुआ, इस हरे कलर को आप समझिए बॉटम कंडक्टर है मेरा, या फिर टॉप कंडक्टर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो दूसरे कलर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको अगेन थोड़ा मोटा करते हैं हम लोग, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और एक आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ 12, ठीक है। अब बोलिए ये आपने क्या बना दिया ऐसा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगेन आते हैं। देखिए ये जो डॉटेड लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ ना, मे भी आपको दिख रहा होगा, इसको ब्लैक कलर से दिखाता हूँ मैं, फिर ऐसे दिखा देते हम लोग, ठीक है भाई, इसका कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, अब ये कलर कैसे चेंज होगा। चलिए ठीक है, अब हो जाएगा आपका। देखिए ये हो गया अपने आप में एक स्लॉट, ठीक है, इधर वाला एक स्लॉट हो गया, ये आपका दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, ठीक है। मतलब ये स्लॉट्स मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से, और हर एक स्लॉट में क्या है आपका दो दो कंडक्टर डला हुआ है इस तरीके से, तो ये आपको दिमाग में रखना है, और इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे ताकि आप भूले नहीं। उसके बाद आपका जेबी गुप्ता का भी क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू तो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से भाई मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से स्लॉट दिखा दिया मैंने, एक यहाँ पे भी बना ही देता हूँ, ओके। अब समझिए ये हो गया आपका 12 स्लॉट, काउंट कर देता हूँ मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11 और ये लास्ट 12, 12 स्लॉट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर हो गया। अब हम लोग को इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैक पेज चाहिए और नीचे से यानी आगे से कनेक्ट करने के लिए हमको फ्रंट पेज चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए तो बैक पिच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाई, या फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोल पिच कैलकुलेट करते हैं। पोल पिच क्या होता है, कंडक्टर से, कंडक्टर के टर्म में हम लोग सब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे कंडक्टर का मतलब भाई आप सीधे सीधे कह सकते हैं कॉइल साइड, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है, 24 डिवाइडेड, ये जेड बाई पी होता है ना, 24 डिवाइडेड बाई टोटल पोल कितना है 2, और प्लस माइनस समथिंग होता है यहाँ पे, ओके। तो इसको जब आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12, सॉरी एक मिनट, हम लोग पोल पीच निकाल रहे हैं ना। देखिए
पोल पिच का मतलब होता है भाई सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एसी मशीन के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पे होता है टोटल स्लॉट्स डिवाइडेड बाय टोटल पोल। लेकिन हम लोग यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हैं, तो आर्मेचर में हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, इजी रखने के लिए कंडक्टर के टर्म में, ठीक है। तो एक स्लॉट में कितने कंडक्टर डले हुए हैं, दो, यानी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे जेड, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है जेड बाय स्लॉट को जेड में हम लोग देखना, ठीक है, जेड बाय टोटल पोल। तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और ये किसके टर्म में आया, आपका कंडक्टर बोलिए या फिर कॉइल साइड बोलिए भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, लेकिन बेटर होगा कि आप कॉइल साइड बोले, ओके, कॉइल साइड, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, बैक पीच निकालते हैं हम लोग। बैक पीच क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका वही पोल पिच के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस वन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑड इंटीजर लाना होता है, क्योंकि देखिए पोल पिच ही अगर बैक पिच हो जाता है मेरा तो ये 12 आ रहा है, यानी इवन वैल्यू है, समझ रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग को टॉप को बॉटम के साथ जोड़ना होता है। तो देखिए जेड मेरा था 24, पी था मेरा 2, प्लस माइनस यहाँ पे आपको 1 करना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये 24 बटा 2 यानी 12 प्लस, या तो 1 जोड़ेंगे तो एक जोड़ने पे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा ऑड वैल्यू है, तो ये मेरा बैक पिच हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग सेकंड केस में वही अगर माइनस करें, 1 माइनस करें 12 में से एक घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 11, तो ये भी ऑड वैल्यू है। तो क्वेश्चन आता है कि 13 लेके चलेंगे या 11 लेकर के चलेंगे, तो अगेन इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हम लोग को फ्रंट पिच निकालना पड़ेगा। अब फ्रंट पिच निकाल लेंगे तो एवरेज ले लेंगे, लेकिन फ्रंट पिच निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, वाइंडिंग पिच निकालना पड़ेगा। वाइंडिंग पिच इक्वल टू क्या होता है, वाई बी माइनस वाई एफ। तो वाई बी आपका क्योंकि सिंप्लेक्स चल रहा है तो हमेशा 2 होता है, 2 कैसे होता है इस पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया भाई, आप हम लोग बात करेंगे इस पर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। वाई बी अगर फर्स्ट केस में 13 पुट करते हैं तो यहाँ से आपका उधर जाएगा, नहीं वाई एफ कितना आ जाएगा फ्रंट पिच, जब आप बैक पिच को 13 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है। अब वही आपका सेकंड केस में, ये आपका केस 1 था, केस 2 में वाई डब्ल्यू इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ, तो ये तो आपका हमेशा 2 ही रहता है सिंप्लेक्स में, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे बैक पिच है इस बार हम लोग 11 पुट करेंगे, ठीक है। तो 11 जब आप पुट कीजिएगा तो 11 में से आप सीधे सीधे 2 घटा लीजिए तो यहाँ से आपका वाई एफ आ जाएगा, वाई एफ कितना हो जाएगा आपका 9 के बराबर, ये भी आपका क्या है ऑड वैल्यू है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना कि आपका बैक पिच भी 2 है और फ्रंट पिच भी आपका 2 है, 11 और 9, तो किसको हम लोग लेकर के चलेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन पे हम लोग यहाँ पे अपने वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे या फिर बांधेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साफ तरीके से, वाई बी इधर मेरा वाई एफ, जब मैंने 13 पुट किया यानी बैक पिच जब मेरा 13 था तो फ्रंट पिच मेरा 11 आ रहा था, और जब मैंने बैक पिच 11 रखा तो फ्रंट पिच मेरा 9 आ रहा था। तो ये वाला कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, यानी 13 और 11 का कॉम्बिनेशन चलेगा या फिर कहिए 11 और 9 का कॉम्बिनेशन चलेगा, इस चीज को अब हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज लेंगे यहाँ पे। तो जब एवरेज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई बी प्लस वाई एफ यानी 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 बटा 2 यानी 12, ठीक है। एक तो ये आया सेकेंड केस में एवरेज पिच इक्वल टू जब 11 प्लस 9, ठीक है, यानी वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका 10। मैंने आपको बताया था भाई कि यहाँ पे अब एवरेज पिच कौन सा लेंगे, 12 लेके चलेंगे या फिर 10 लेकर के चलेंगे, सही बात है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पोल पिच निकाल रहे थे। तो पोल पिच क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे देखिए पोल पिच आया ना, ये स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल एफ का, ये टोटल कॉइल साइड डिवाइडेड बाय आपका, ओके, तो कितना आ गया आपका 12 के बराबर है ना, समझ रहे हैं भाई, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एवरेज पिच जो आ रहा है 2 आ रहा है, एक 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो कौन सा लेकर के चलेंगे,
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या कीजिए, पोल पिच कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो पोल पिच क्या था आपका, टोटल यानी जेड बाय सीधे सीधे पी होता है आपका, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ऑटोमेटिक 12, तो जो पोल पिच होगा वही आपका, अगर एवरेज पिच करीब करीब आ रहा है, F इक्वल टू आ रहा है, तो वही आपका हो जाए, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग लेके चलेंगे। यानी वाइंडिंग करने के लिए आपका बैक पिच होगा 13 और फ्रंट पिच होगा आपका 11। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को बैक पिच भी पता चल गया और फ्रंट पिच भी पता चल गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग का ये कंडक्टर नंबर 1 है, ठीक है, ग्रीन वाले को मान लेते हैं टॉप कंडक्टर है। तो बैक पिच कितना है यहाँ पे, बैक पिच मेरा कितना है 13, ठीक है, यानी 13 कंडक्टर का गैपिंग होना चाहिए। तो देखिए, गिन के बताता हूँ मैं, ये फर्स्ट कंडक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं जाएगा ऐसे कनेक्ट होकर के उधर, ठीक है। तो कितना, 13 का गैपिंग होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी इसमें आके जुड़ेगा, ठीक है, इस वाले में आके जुड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे भाई स्पेस का थोड़ा सा इशू है, इसमें आके हम लोग जोड़ देंगे इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा नेमिंग भी कर लेते हैं कंडक्टर का, ज़्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए। ये कंडक्टर नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, right? तो देखिए, आपने कंडक्टर नंबर 1 को किसके साथ जोड़ा है, कंडक्टर नंबर 14 के साथ जोड़ा है, तो 14 में से एक को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। तो 13 आपका बैक पेज था, और मैंने यहाँ पे मैनुअली कंडक्टर को काउंट करके भी आपको बता दिया, इस तरीके से नेमिंग करने का मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका बैक पेज, इस तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे कॉइल जा रहा है, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो कॉइल है, ये कॉइल अब क्या होगा, इस तरीके से नीचे घूमेगा, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि भाई आपको बांधना है ना, लपेटना है इसमें आपका, कितना भी हो सकता है टर्न, 1000 मतलब कितना टर्न था आपका एक कॉइल, ये अपने आप में एक कॉइल एक तरीके से, ठीक है, ये 500 टर्न का कॉइल लिया था ना, तो 500 बार इस तरीके से ऐसे लपेटना होगा आपका। क्लियर हो गया। ओके, ये जो एंड है इस पर हम बाद में आएंगे, ये अभी एंड छोड़ दिए आपका, ऐसी है स्टार्टिंग एंड है आपका। अब देखिए, ये जो एंड आया ना, जैसे मान लेते 500 टर्न आपने लपेट दिया इस तरीके से, क्लियर हुआ। जैसे देखिए, 500 टर्न लपेटने के बाद, या फिर अभी समझिए ना भाई, बस समझिए, बैक पिच इस तरीके जोड़ दिया, हम लोग फ्रंट पिच पे आते हैं, ठीक है। तो फ्रंट पिच क्योंकि मेरा 11 था, तो अगर ये इधर से जोड़ रहे ना, अब ऐसे जाके जुड़ेगा, यानी 11 कंडक्टर छोड़ना पड़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, यानी इसमें आके जुड़ेगा आपका ये, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये रेड कंडक्टर है, मतलब ये या तो टॉप होगा या तो बॉटम होगा, तो रेड को मैंने किस साथ जोड़ दिया, हरे के साथ जोड़ दिया, यानी क्या है, टॉप और बॉटम का कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ से मैंने 13 का गैपिंग, 11 का गैपिंग रखा है, क्यों, क्योंकि फ्रंट पिच मेरा यहाँ पे 11 आया था। क्लियर हो गया। अब ये आपका आगे जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए अब ये इस तरीके से आगे जाएगा, और अगेन 13, यानी 13 क्योंकि अब बैक से जोड़ रहा है पीछे से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन 13 कंडक्टर का गैपिंग छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्लियर हुआ, यानी ये इसमें आके जुड़ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर इधर से आएगा, अब अगेन आप काउंट कीजिए, 11 का गैपिंग होना चाहिए क्योंकि फ्रंट भी जोड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्लियर हुआ। तो ये आपका इस तरीके से इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर आगे जाएगा ऐसे, और फिर ये आकर के ऑटोमेटिक इसमें जुड़ जाएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, और नंबर लिखा हुआ ऑलरेडी, देखिए ये 5वें पे है, ठीक है, और ये 18वें के साथ जुड़ा है, तो 5 में से 18, यानी 18 से 5 है, तो 13 का गैपिंग आ जाएगा, ओके ना, तो 13 का आपका हो गया। अभी ये फिर आएगा इस तरीके से, उसके बाद तो ज़्यादा नीचे नहीं लाते हैं कि और भी स्पेस है ना, स्पेस नहीं बचेगा हम लोग के पास। अब ये 18 पे है, ठीक है, तो 11 का गैपिंग चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें आके जुटेगा। क्लियर।
अब आते हैं आगे, ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें के जुड़ेगा, ठीक है। आप गिन लीजिएगा, ये 20वें पे है और ये आपका 7वें पे है, तो 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा। उसके बाद आगे आते हैं, देखिए ये 20वें पे है, ठीक है। अभी 11 का गैपिंग चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको जोड़ते चले जाना है। मैं फटाफट कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। अब ये आका आपका यहाँ इससे जुड़ेगा 11 से, ओके, क्योंकि ये 11 पे है और ये 22 पे है, तो 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा और 11 फ्रंट पीछे है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से, ओके। अब ये इस तरीके से आगे जाएगा और फिर अब ये इसमें आके जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आकर के आपका फिर ये 13 में जुड़ेगा इस तरीके से। अब ये आपका जाएगा आगे, अब ध्यान से समझिएगा, ये इस तरीके से। अब आगे तो कंडक्टर है नहीं, समझ रहे बात की, क्योंकि ये तो गोल होता है ना, सर्कुलर होता है इस तरीके से, समझ में आया। तो इस बोर्ड को आप सोचिए, आप ये तो खुला हुआ है ना भाई बोर्ड, इस बोर्ड को समझिए, ये पेपर है इस तरीके से समझिए। अगर आपका कॉपी होता तो ये पेपर होता, यानी अगर आप इस बोर्ड को ऐसे फोल्ड कर पाते, ठीक है, ये दोनों हिस्सा उठा करके ऐसे फोल्ड कर पाते तो उधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, मतलब ये स्लॉट और वो कॉर्नर वाला स्लॉट, दोनों आके क्या होता है इस तरीके से जुड़ जाता, समझ में आया। तो देखिए ये यहां पे जा रहा है, उधर चला गया, ठीक है। तो देखिए गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, 13 का गैपिंग होना चाहिए, बैक से कनेक्ट कर रहे हैं, 1 कंडक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 ही हुआ है वहां तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब सीधे यहां पे आएंगे 11 12 और 13, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरीके से होते हुए आ रहा है ना, यानी ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे आएगा, इसमें इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, देखिए ये जो है हरे वाले से जुड़ा हुआ, ठीक है, यानी टॉप कंडक्टर है, तो ये वाला लाल से जुड़ा कि नहीं जुड़ा करके, यानी बॉटम कंडक्टर, ठीक है, ओके। ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, तो आप कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कॉइल इस तरीके ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, अब ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आ रहे हैं ना, समझ गए। लेकिन इधर से क्या है, इधर आते ही क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, अब ये क्या होगा, इधर की तरफ बैंड होगा, क्लियर हुआ। अब इधर की तरफ बैंड होगा तो भाई इधर तो अब हम लोग को गिनना पड़ेगा ना, ये एक ही कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर, तब इधर से आ जाइए, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, यानी ये इसमें आके जुड़ेगा, क्लियर हुआ। ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो आ रहा है ना ऐसे जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं ताकि हम लोग का स्पेस बन जाए, ये तो काफी छोटा हो गया भाई, देखिए ये भाई ऐसे मुड़ा, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया मतलब क्या, इससे जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। आप सीधे सीधे लिखिए 15 नंबर है ना, 15 नंबर जो है आपका 2 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 15 में से 2 घटाइए तो कितना होगा आपका, बताइए कितना है आपका, वेट यहाँ पे है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस तरीके से अब ये जाएगा आपका ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी इधर तो जगह है नहीं, अब 13 कंडक्टर गिनना होगा, बैक से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यानी ये इसमें जुड़ेगा, क्लियर हो गया। अभी ऐसे जाएगा, अब अगेन आप गिन लीजिए, आपका इसी में आकर जुड़ेगा, ठीक है, 17 से जुड़ जाएगा, मतलब ये ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है, यानी ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, ओके। तो ये अब जोड़ लीजिएगा, आपका इसमें आएगा, मतलब भाई इधर से जोड़ना ना, ऐसे आ रहा है, तो गिनिए 13 कंडक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ गया ना, इसमें ऐसे जुड़ गया। अब ये आएगा इस तरीके से, अब इस नीचे से 11 कंडक्टर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, क्लियर। अब ये ऊपर जाएगा, अब अगेन आप काउंट कर लीजिएगा इसी तरीके से, मैं फटाफट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यानी इससे जुड़ेगा। उसके बाद ये आपका जाएगा इस तरीके से, उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें, ये आपका आ जाएगा
11 कंडक्टर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यानी इसमें, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, और फिर फाइनली आप गिन लीजिएगा 10, 13 तो आपका आएगा इसमें, और यहाँ से जब आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी ये जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आकर के आपका ये जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा वाइंडिंग करते हैं। ये सब मत सोचिएगा कि ये सब ओपन है, नहीं, ये सब जुड़ा हुआ उधर से, क्योंकि आप इसको जब ऐसे फोल्ड कीजिएगा ना, ये सारा का सारा तार कनेक्टेड है एक तरीके से, समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ पे भाई इतना समझने के बाद ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये सब जो पोर्शन है ना, यही पोर्शन आपका क्या होता है, कम्यूटेटर से जा करके जुड़ता है। तो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे भाई, ये समझ में आना चाहिए बैक पिच फ्रंट पिच के हिसाब से इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं, अब या फिर इसको रहने देते हैं, न्यू पेज खोलते हैं, और थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे नेट यूज करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, नेट मेरे ख्याल से भाई बंद किया हुआ यहाँ पे। देखिए, अब कुछ हम लोग यहाँ पे जो बुक में आपका डेफिनेशन यूज होता है ना भाई, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस वाले फोटो पे आते हैं। सबसे पहले समझिए बैक पिच का डेफिनेशन क्या होता है। तो बैक पिच क्या होता है भाई, जैसे फेस को हम लोग नोट में ही खोल लेते हैं, देखिए अब यहां पे क्या होता है, बैक पिच का डेफिनेशन क्या है कि आपने यहां से वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये वाइंडिंग करने का मतलब क्या है, ये कंडक्टर नंबर वन है आपका, ठीक है, ये कंडक्टर नंबर वन है आपका, ठीक है। तो कंडक्टर नंबर वन आपका पीछे से कनेक्ट होकर के ये इस तरीके से जो जा रहा है ना, और फिर आपका ये यहाँ पे रुक रहा है, मतलब ये अपने आप में क्या है, ये एक सिंगल कॉइल है। क्लियर हुआ? जिसका ये पहला कॉइल साइड यानी एक कॉइल साइड है, तो ये वाला जो है आपका ये ए डैश है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आना चाहिए, ये अपने आप में एक 500 टर्न का कॉइल है, समझ गए, जिसका यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा तार को छील करके, आपने देखा वाइंडिंग वाला कॉपर तार, उसको क्या करते हैं, माचिस से जला देते हैं, ठीक है, यानी इंसुलेशन खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट पे लाके इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉइल खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से फिर नया कॉइल स्टार्ट होता है। तो समझिए बैक पिच क्या होता है भाई, सेम कॉइल का, जैसे ये कॉइल नंबर ए है जिसमें कॉइल साइड ए और ए डैश, तो बैक पिच हम लोग उसको बोलते हैं कि सेम कॉइल का, ठीक है, अपने आप में एक ही कॉइल है ये, ठीक है, एक कॉइल बोल रहे हैं 500 टर्न का, ठीक है, सेम कॉइल का ए और ए डैश के बीच में जो भी दूरी होगा उसको हम लोग बोल देते हैं बैक पिच। क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस देख रहे हैं इस तरीके से इंडिकेटेड किया हुआ है, ये हो गया आपका बैक पिच, समझ गए? इतना क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग फ्रंट पिच के ऊपर। फ्रंट पिच क्या होता है, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। देखिए, क्योंकि यहां पे आपका ये फर्स्ट कॉइल खत्म हो गया, यानी कॉइल ए खत्म हो गया, अब यहां से कॉइल स्टार्ट हो रहा है, ये जो कॉइल स्टार्ट हो रहा है ये कॉइल बी है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका कॉइल बी है इस तरीके से, ये यहाँ पे आपका फिर से इंसुलेशन इसका बर्न करके माचिस से इसको सोल्डिंग कर देंगे कम्यूटेटर सेगमेंट पे। ये सब जो दिखाया गया कम्यूटेटर सेगमेंट है एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपका ये दूसरा कॉइल भी खत्म हो गया, मान लेते कॉइल बी है, तो इसका ये कॉइल बी का बी हो गया और ये बी डैश हो गया। आप समझिए फ्रंट पिच क्या होता है। फ्रंट पिच भाई
हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल मतलब रेड वाला, ध्यान से देखिए रेड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइल का जो ये वाला कंडक्टर है, मतलब ए डैश, ठीक है, फर्स्ट कॉइल का राइट साइड वाला जो कॉइल साइड है, ठीक है, और जो सेकेंड कॉइल मतलब पर्पल वाला, नहीं कॉइल बी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, फर्स्ट कॉइल का एंडिंग साइड, ठीक है, ये वाला एंडिंग साइड ही तो हुआ, ये स्टार्टिंग साइड है तो ये एंडिंग साइड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो फर्स्ट कॉइल का, फिर कॉइल ए का जो एंडिंग साइड है वो, और कॉइल बी का जो स्टार्टिंग साइड है वो, देख रहे हैं ये स्टार्टिंग साइड है इसका, समझ रहे बात को, यानी कॉइल बी का स्टार्टिंग और कॉइल ए का एंडिंग साइड, ठीक है, एंडिंग साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रंट पिच। क्लियर हो गया। बैक पिच मतलब फर्स्ट कॉइल का, ठीक है, या फिर इसी में भी दिखा सकते हैं, इसमें भी दिखा सकते हैं, ये जो बी है और बी डैश है, ठीक है, बी और बी डैश के बीच में जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक पिच बोलेंगे। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉइल को ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से आपका और भी कॉइल है, जैसे अपने वाले केस में 12 कॉइल था, तो किसी को भी आप दिखा सकते हैं, एक सिंगल कॉइल को पकड़ लीजिए, उसका जैसे सी होता आगे में, सी होता और सी डैश होता, तो सी और सी डैश के बीच में जो डिस्टेंस होता वही क्या हो जाता, हमारा बैक पिच हो जाता। ओके, अब फ्रंट पिच क्या होता, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फ्रंट पिच क्या है कि फर्स्ट कॉइल का एंडिंग और सेकेंड कॉइल का स्टार्टिंग का जो कॉइल साइड का जो डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट पिच। क्लियर हो गया फ्रंट पिच। अब बैक पिच में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे तीसरा कॉइल भी इसमें बना देता हूँ, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लेते हैं ये खत्म हो गया ना यहाँ पे कॉइल, यहाँ पे आपका नया कॉइल स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये नया कॉइल है, इसको थोड़ा सा मैं मोटा बनाता हूँ। ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपका तीसरा कॉइल हो गया, यानी सी और सी डैश बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप सी बोल दीजिए, इसको आप सी डैश बोल दीजिए, तो इसमें भी आप दिखा सकते हैं सी और सी डैश के बीच में जो दूरी होगा ये वाला, ठीक है, सी और सी डैश के बीच में जो दूरी होगा इसको हम लोग बैक पिच बोल देंगे। क्लियर हो गया? और वही अगर हम लोग फ्रंट पिच दिखाना चाहें तो फ्रंट पिच यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। भाई देखिए, ये पर्पल वाला अपने आप में क्या है, पर्पल वाला फर्स्ट कॉइल होगा किसके मुकाबले, अगर आप ग्रीन वाले को देखते हैं तो देखिए, ये जो फर्स्ट वाला कॉइल है पर्पल को जो मैं बोल रहा हूँ, इसका जो एंडिंग साइड हुआ ये वाला, ठीक है, ये जो एंडिंग साइड हुआ और ये जो ग्रीन वाला कॉइल है, ग्रीन वाला कॉइल इसका ये जो स्टार्टिंग साइड हुआ ये, ठीक है, तो इनके बीच में यानी सी और बी डैश के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंट पिच। क्लियर हुआ? इतना समझ में आना चाहिए भाई। बी को यानी कॉइल बी और कॉइल सी को आप देखिए ना, बस ए को भूल जाइए आप अभी, ठीक है। तो कॉइल बी का ये वाला एंडिंग वाला हिस्सा और कॉइल सी का ये स्टार्टिंग वाला जो कॉइल साइड है, इनके बीच में जो दूरी होगा इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच, बैक पिच, क्लियर हो गया होगा? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा रिजल्टेंट पिच के ऊपर। भाई रिजल्टेंट पिच क्या होता है, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा फिर से साफ तरीके से देखते हैं। देखिए इसी पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पे फ्रंट पिच क्या होता है, सॉरी वाइंडिंग पिच क्या होता है, फिर इसको हम लोग रिजल्टेंट पिच भी बोलते हैं। यहाँ पे वाई आर से दिखाया गया ना, ये जो वाई आर से ऐसा दिखाया है भाई, इसको हम लोग न्यू पेज में ही खोलते हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा हम लोग को। देखिए इसको हम लोग वाइंडिंग पिच या फिर कहिए रिजल्टेंट पिच बोलते हैं, ठीक है। वाई आर से रिप्रेजेंट कीजिए, फिर वाई डब्ल्यू से, दोनों सेम है। ये क्या होता है, देखिए भाई
इसको हम लोग कैसे समझे, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर होगा आपका। इसको छोड़ते हैं भाई, ठीक है। आपका जो रिजल्टेंट पेज का कॉन्सेप्ट है, ऐसे मैं और कुछ फोटो देख लेता हूँ, अगर फोटो और अवेलेबल होगा जिसके थ्रू मैं समझा सकूँ, क्योंकि ये पूरा डायग्राम है नहीं लैप वाइंडिंग का यहाँ पे सिंप्लेक्स का। देखिए इसमें मिल जाएगा हम लोग को, ये क्लियर हो जाएगा फिगर से। देखिए रिजल्टेंट पिच क्या होता है भाई, जैसे ये वाला वाइंडिंग तो भूल ही जाइए, ये आपका वेव वाइंडिंग है, खत्म कीजिए इसको, अभी हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं, इस पे आते हैं लैप पे। ये अपने आप में क्या है, फर्स्ट कॉइल था, ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ गया, यानी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो कॉइल था, ये आपका सेकंड कॉइल था, ठीक है। अब समझिए रिजल्टेंट पिच क्या होता है। रिजल्टेंट पिच भाई, फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट साइड और सेकंड कॉइल का फर्स्ट साइड, ध्यान से समझिए, फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट साइड, सेकंड कॉइल का सेकंड साइड, इनके बीच में जो दूरी बनता है या फिर जो भी दूरी होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट पिच या फिर बोलिए वाइंडिंग पिच। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा लाइन है। यहाँ पे दो कॉइल देख रहे हैं, कॉइल ए कॉइल बी, ग्रीन वाला कॉइल ए है, पर्पल वाला कॉइल बी है। तो कॉइल ए का स्टार्टिंग साइड और कॉइल बी का स्टार्टिंग साइड, इनके बीच में जो दूरी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच। क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब सिंप्लेक्स है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो वाइंडिंग पिच या फिर कहिए रिजल्टेंट पिच जो होता है, हमेशा दो के बराबर होता है। दो क्या है, ये कंडक्टर, क्योंकि अभी जो मैंने फोटो में दिखा वो सब डिस्टेंस था भाई, तो डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे किस में मेजर कर रहे हैं, कंडक्टर के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, राइट। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ये मान लेते हैं आपका सब टॉप कंडक्टर था, राइट, और ये रेड वाला मान लेते हैं सब बॉटम कंडक्टर था, ठीक है। तो अब देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसी तरीके से 14, ओके। तो अब समझिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आपका बैक पीस कितना था 13, फ्रंट पीस कितना था 11, राइट। तो अभी अगर हम लोग कनेक्ट करें यहाँ पे, ये कंडक्टर नंबर 1 है, किस में जाएगा सीधे सीधे 14 में जाएगा, क्योंकि 14 में से एक घटाएंगे ऑटोमेटिक 13 का कंडक्टर का गैपिंग आ जाएगा, सही बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडक्टर आता है, ये नीचे में आपका क्या होता है, इस तरीके से 500 टन 1000 टन जो भी होगा इस तरीके से लपेट दिया, और ये नीचे में क्या है, थोड़ा सा गेंद छोटा बनाते हम लोग, नीचे में आकर के आपका ये यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, इसे जुड़ जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉइल ए था अपने आप में। अब हम लोग यहां से अब दूसरा कॉइल स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से सेकंड कॉइल स्टार्ट हो रहा है। अब समझिए, समझिए मेरी बात को, क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है ना, अभी कम्यूटेटर सेगमेंट हटा ही देते हैं भाई, ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। देखिए ये आया इस तरीके से, ये सीधे सीधे क्या होगा, 11 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, इसमें आके जुड़ जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये जो हिस्सा है ना, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ता है आपका, ठीक है, यानी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अपने आप में एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है अपने आप में, यहाँ पे आपका ये कॉइल पूरा पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया,
समझिए इस चीज को, इसको कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये अपने आप में एक कॉइल यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड कॉइल, कलर का ये दिक्कत हो जाता है भाई। देखिए यहां से ये स्टार्ट हुआ सेकेंड कॉइल, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, बैक पीछे है नहीं, कहाँ जाएगा आपका, ये 14 है, 14 मतलब रेड वाला दिखाया था हम लोगों ने, ये 15वां हो गया और यहाँ पे आपका 16वां हो जाएगा, ठीक है। यानी 16 से जुड़ेगा, ठीक है। 16 में से 3 में घटाइएगा तो ऑटोमेटिक 13 आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ओके, ये जुड़ करके आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर एक और कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, इसमें ख़त्म हो जाएगा आपका। ओके, इसमें ख़त्म होगा और यहाँ से फिर आपका क्या होगा, नया कॉइल स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से आपका फिर नया कॉइल स्टार्ट होगा और फिर कहाँ जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। ओके ना, अभी वाइंडिंग करना आपको सिखाया भाई। और ये किस में जाएगा, 16 पे है ना, ये 16 यानी 17 में नहीं 18 में जाके जुड़ेगा, ये 18 वाला में, ठीक है। यहाँ पे एक कंडक्टर छोड़ दिया जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। आप समझिए भाई, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपका मैंने क्या बताया था, ये ब्लू वाला अपने आप में एक कॉइल है, ठीक है। ब्लू वाला अपने आप में कॉइल है, ये पिंक वाला भी अपने आप में एक कॉइल है, ठीक है। जैसे मान लेते पर्पल वाले को मैंने ए बोल दिया, एक कॉइल, ब्लू वाले को बी कॉइल बोला मैंने और ये पिंक वाले को सी कॉइल, यानी तीन कॉइल मैंने यहाँ पे दिखाया एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पे भाई इस ब्लू वाले कॉइल को हम लोग पहले देखते हैं, ये मान लेते हैं कॉइल नंबर 1 है मेरा, फिर ये इस बी कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, यानी बी कॉइल का फर्स्ट कॉइल साइड और सी कॉइल का भी फर्स्ट कॉइल साइड, ठीक है। इनके बीच में जो गैपिंग होगा, यही तो मेरा था एक तरीके से रिजल्टेंट पेज, या फिर कह रहा है इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइंडिंग पेज, समझ गए। तो इसमें कितना अंतर होगा बताइए, कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस पॉइंट पे, तो खड़े हैं, ठीक है। तो एक कंडक्टर और ये दो कंडक्टर, ठीक है, दो कंडक्टर गैपिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो काउंट कीजिए, या फिर ऐसा कर लिए ना भाई, ये 3 नंबर पे है, ठीक है, ये आपका 5 नंबर पे है, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आया कि नहीं आया बोलिए। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, यानी दो कॉइल के बीच में एक कंडक्ट मतलब दो कंडक्टर का क्या होता है, गैपिंग होता है, मतलब दो कॉइल साइड के बीच में दो मतलब दो कॉइल साइड ऑफ डिफरेंट कॉइल, क्योंकि ये बी अपने आप में कॉइल है, सी भी अपने आप में कॉइल है, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी होता है उसे बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट पिच या फिर वाइंडिंग पिच। तो सिंप्लेक्स में हमेशा क्या होता है, दो कंडक्टर का गैपिंग चलता है आपका, क्लियर हो जाना चाहिए। अब डेफिनेशन कोई पूछता है आपसे, भाई कंडक्टर बता दिया, कॉइल साइड बता दिया, बैक पिच फ्रंट पिच सब चीज़ बता दिया, अपने हिसाब से आप वहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना हो लिख सकते हैं आप, तो उसमें कोई रटने वाली बात नहीं भाई। तो आज का क्लास खत्म हो गया, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। भाई कमेंट करना है, फीडबैक देना है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अभी 1st of August, ठीक है, आपको पता होगा जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, 1 अगस्त को, ठीक है, आपको पेड क्लासेस के ऊपर जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये साल का एक ही दिन होता है, एक ही दिन आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अगर आपको और भी डेप्थ में पढ़ना है तो पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी मशीन पावर सिस्टम या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में, या फिर अच्छा खासा कमांड पकड़ लीजिएगा।